देखिए एक चीज समझिएगा, हम LIC ब्रांड की जो बात करते हैं ना, LIC का ये ब्रांड बना कैसे? आप जैसे एजेंटों की वजह से, ये तो बात सही है। आपके पास में चॉइस थी। जैसे बहुत सारे एजेंट रहते हैं कि अगर किसी का पुराना केस हो, यार उन्होंने जब बोला होगा कि मेरा 20 साल पुराना पॉलिसी मतलब मैच्योर हो चुका है, पता नहीं वो कहाँ है, तो एक एजेंट ऐसा भी हो सकता है कि जिसके मन में आए कि यार ये उसका लफड़ा उसेड़ेगा, कौन ये सर्विस देगा, ब्रांच में जाना पड़ेगा, इतना कागज वागज लिख करके देना पड़ेगा, इतनी भेजामारी करनी पड़ेगी, कौन ये सब करे, और वो छोड़ सकता था। पर अगर वो छोड़ देता तो वो पॉलिसी जो आपको मिली, एक नया बिजनेस जो आपको मिला, वो नहीं मिलता। लेकिन नाके से बिजनेस हाथ से जाता, उस आदमी के दिमाग में LIC को लेकर के भी एक नेगेटिविटी होती कि साले पैसे तो याद कर करके लेके जाते हैं लेकिन देने के टाइम पे याद नहीं करते। लेकिन आप जैसे एजेंट अगर इतनी जबरदस्त तरीके से सर्विस देते हैं और 20 साल पहले जो पॉलिसी मैच्योर हो चुकी है, ऐसी पॉलिसी की मैच्योरिटी लेकर के जब आप कस्टमर को देते हो, तब जाकर के LIC ब्रांड बनती है। एजेंट जो है उन्होंने LIC को ब्रांड बनाया है। जितने भी हमारे बाकी साथी है जो नए है ना, जिनको ये हमेशा दिक्कत रहती है कि सर MDRT करना चाहता हूँ लेकिन होता नहीं है, आप समझिएगा, ये जस्मिना बहन शी इज एन MDRT एजेंट, क्लब मेंबर भी है ये, रवि प्रताप पांडे साहब, ये जितने भी MDRT किए हुए लोग हमारे बीच में बैठे हुए, तेजल वैद्य जी को हमने अभी देखा है ना, ये जितने भी लोग है, वगासिया जी है, पुराने पुराने एजेंट, ये MDRT कर रहे हैं, इसकी वजह उनके नॉलेज से ज्यादा उनका ये जो सर्विस का पार्ट है ना, वो बहुत बड़ा है कि वो हमेशा दूसरों के भले के बारे में सोचते हैं। सर्विस करने का इतना सा भी चांस मिला, भले उसमें कमीशन नहीं कमाए थे, किसी और का केस था, एजेंट तो माल लेकर के गायब हो गया, लेकिन ये सर्विस देते हैं। हमें क्या लगता है कि MDRT करने वाले लोगों के पास में बहुत नॉलेज होता है। मेरा मानना यह है कि उनके पास में जबरदस्त नॉलेज हो कि ना हो, लेकिन वो एक बहुत ही जबरदस्त इंसान होते हैं। उनका वाणी, वर्तन, व्यवहार और रिलेशनशिप बिल्डिंग जो स्किल रहती है, वो इतनी जबरदस्त रहती है, इतने अच्छे लोग होते हैं वो, जिसकी वजह से लोग उनको सामने से बिजनेस देते हैं। जितने भी MDRT एजेंट है ना, उनमें आप एक खूबी देखिएगा, आप चाहे भरत पारेख के बारे में सुनते हैं, आप चाहे शेट्टी साहब के बारे में सुनते हैं, आप पांडे जी को ले लीजिए, पांडे जी इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग बॉस। आप एक काम करिएगा, अपने डिविजन के या आप जिनको भी जानते हैं, ऐसे लोगों को ढूंढिए कि जिन्होंने एक बार MDRT किया हो, ऐसा नहीं, जो लगातार MDRT कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आप देखेंगे ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको लगेगा कि इन सभी में एक कॉमन बात यही है, ये सारे के सारे लोग बहुत ही बेहतरीन इंसान है। चालाकी वाला आदमी एक आध दो बार MDRT कर सकता है, लेकिन लगातार MDRT वो ही कर पाएगा कि जो बेहतर इंसान हो। वाणी, वर्तन और व्यवहार से लोगों को जीतोगे तो इंश्योरेंस बिजनेस करना आसान है।